राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के 4 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के अभी 4 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह करंट अफेयर्स रिलेटेड है। और अभी हाल के दिनों में जो है राज्यपालों की नई नई नियुक्तियाँ अनेक राज्यों में हुई है, तो इसी कारण से ये सब सारी चीज़ें जो अपडेट हैं वह इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो इसी कारण से ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं पूरी जानकारी क्या है और कौन कौन बने हैं, कौन कौन से राज्य के राज्यपाल और साथ साथ कौन कहाँ के एडिशनल चार्ज में, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट जरूर से जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बनाए गए। तो दोस्तों, नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को और ये सेवानिवृत्त हैं। और इन्होंने जो है पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया, जिन्होंने 8 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो अभी नए राज्यपाल बने गुरमीत सिंह, जो कि सेना से यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्होंने जो है पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया है। और बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो अभी इनका जो नया राज्यपाल बना है यानी कि उत्तराखंड का, वह है गुरमीत सिंह, आपको याद रखना है। दूसरे राज्य की बात करते हैं तो वह है पंजाब। तो पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है बनवारी लाल पुरोहित की। तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और इन्होंने यानी कि बनवारी लाल पुरोहित ने पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर का स्थान लिया है। तो वीपी सिंह बदनोर का स्थान बनवारी लाल पुरोहित ने ले लिया है। और इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे। तो आपको ये भी जानकर याद रखना है कि पूर्व में बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे और अभी इनकी नियुक्ति हुई है पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में। तीसरे राज्य की बात करते हैं, तीसरे स्टेट की, तो यह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में नई नियुक्ति हुई है आर एन रवि की। तो आर एन रवि तमिलनाडु के नए गवर्नर बनाए गए और इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। तो आपको इनका ये जो नाम है उसको भी याद रखना है, रविंद्र नारायण रवि, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आर एन रवि। और ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं। इन्होंने यानी कि रविंद्र नारायण रवि यानी कि आर एन रवि पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का स्थान लेंगे, क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो अब पंजाब के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, मैंने आप लोग अभी आप लोगों को बताया। तो इन्होंने बनवारी लाल पुरोहित का स्थान लिया है। और इससे पहले आर एन रवि नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं। तो पहले ये तमिलनाडु आने से पहले ये नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये आपको जानकर याद रखना है। अब चौथा जो राज्य है उसका बात करते हैं तो वह है नागालैंड। तो नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो नागालैंड में अभी कोई नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, तो उन्हीं को नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने 4 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति देख लिए हैं, कौन कौन से राज्यपाल किस किस स्टेट में चले गए हैं। तो ये जो जानकारी है वह बहुत बड़ा अपडेट है।